तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप लोगों ने कल देखा कि हम फाइनली लखनऊ के स्टेशन पर पहुंच गए और उसके बाद फिर हमने एक समोसा और एक चाय पिया और जब शरीर में ताजगी आई तो उसके बाद हमने अपना सफ़र आगे शुरू किया। तो चलिए अब आगे का सफ़र भी आपको दिखाते हैं कि तो दोस्तों आपको हम लेटेस्ट अपडेट्स प्रोवाइड करने जा रहे हैं कैसे आप इमामबाड़ा पहुँच सकते हैं। तो ये ई रिक्शा है, ये हमें चार बाग से मिला है और 30 रुपये में हमें इमामबाड़ा पहुँचाएंगे और इस समय हम लोग मेडिकल कॉलेज के पास है, जैसे कि आपको हम सीट में दिखाएंगे और यहाँ से इमामबाड़ा है। उसके बाद अब बाकी आप चौक से भी इमामबाड़ा भी जा सकते हैं, लेकिन हमें डायरेक्ट मिल गया तो हम डायरेक्ट ही जा रहे हैं। जब तक दोस्तों हम लोग सफ़र कर रहे हैं तो आपको इमामबाड़ा के बारे में कुछ जानकारी भी हम देना चाहते हैं। तो आपको बता दें कि इमामबाड़ा अवध क्षेत्र में 1784 में जब भयंकर अकाल पड़ा था तो उस समय बनवाया गया था। उस समय जो नवाब थे उन्होंने उस अकाल से लोगों को निपटने के लिए, लोगों को राहत प्रदान करने के लिए इमामबाड़े का काम शुरू करवाया था, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि इमामबाड़ा अगर बनेगा तो लोगों को रोज़गार मिलेगा और रोज़गार मिलते ही वहाँ पर लोग इंगेज होंगे तो उस मतलब अकाल की स्थिति से वो लोग उबरेंगे। और इसमें बताया जाता है कि 11 साल तक अकाल चला था और 11 साल तक ही इमामबाड़े का निर्माण भी चला था साथ में। और आपको बता दें कि इसमें 20,000 से ज़्यादा श्रमिक इन्वॉल्व हुए थे इसको बनाने में। तो ये इमामबाड़ा के बनने का रीज़न था कि क्यों आखिर इसको बनवाना शुरू करवाया गया था। तो दोस्तों नमस्कार, और पहले तो कहेंगे आप मुस्कुराइए, लखनऊ में हमारे पीछे इमामबाड़ा देख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट जर्नी, आपको एक एक इन्फॉर्मेशन देंगे। तो दोस्तों आपको जानकारी बता दें कि रमज़ान के चलते इस समय इमामबाड़ा फ्राइडे को 10:30 से 3 बजे तक बंद रहता है पर्यटकों के लिए, तो इसलिए आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। खैर चलिए अब टूर स्टार्ट करते हैं अंदर इमामबाड़ा का। हाँ, अब दोस्तों हम लोग अंदर आ चुके हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर शुरुआत में एक बैग काउंटर होता है जहाँ पर आपको अपना जो भी सामान है वो जमा करना होता है और 10 रुपये एक बैग का लगता है। हमारे 2 बैग थे तो हमने 20 रुपये टोटल उनको दिए हैं। अब इसके बाद हमारे पास केवल मोबाइल है, पानी की बॉटल, इतना चीज़ हम लेकर अंदर जा रहे हैं। आपको ये जानकारी प्रोवाइड कर दी है और अब चलते अंदर, देखते हैं अंदर भी और क्या होता है, क्योंकि सामने हमें लग रहा है कि यहाँ पर टिकट बनेगा क्योंकि अभी तक टिकट बना नहीं था। चलिए देखते टिकट भी कैसा लगता है। वैसे दोस्तों यहाँ आके पता चल रहा है कि हमारे अवध में भी कितनी बड़ी चीज़ है, इतना सुंदर इतना साफ सुथरा दोस्तों इसको बनाया गया है, बहुत अच्छा लग रहा है। खैर चलिए अब आगे चलते हैं। और हाँ, यहाँ पर ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि इमामबाड़ा के ही अंदर भूल भुलैया इमामबाड़ा तो जो है वो है ही है, उसके अलावा बावली, ये 3 चीज़ें यही इसी कैंपस में आपको घुमाने को मिल जाएंगी। और यहाँ पर कहते हैं हज़ारों अंदर छोटे छोटे रास्ते बने हुए हैं और इसीलिए आदमी भूल जाता है क्योंकि हज़ारों रास्ते, और सही जो रास्ते केवल वो 2 रास्ते हैं, यानी कोई 2 ऐसे रास्ते जो केवल सही हैं, बाकी सारे रास्ते यहाँ पर आपको गलत जगह पर ही निकालने की वो करेंगे, तो इसलिए भटकिएगा मत। खैर देखते हैं, बड़े से बड़े लोग आते भटक जाते हैं, हम लोग तो अभी वैसे ही हैं। चलिए अब आगे टिकट कटाते हैं क्योंकि टिकट काउंटर यहाँ पे सामने बना हुआ है। और हाँ, यहाँ पे दोस्तों फोटोग्राफर्स भी होते हैं, अगर आपको ऐसे फोटोग्राफ तुरंत निकलवानी हो खिंचवा के इमामबाड़ा के सामने तो वो भी यहाँ पे मिल जाएगा। 50 रुपये एक फ़ोटो का होता है, फ़ोटो थोड़ी बड़ी साइज़ में, बहुत छोटी नहीं है। और हम लोग टिकट काउंटर पर आके यहाँ पे 50 रुपये एक आदमी का टिकट है जिसमें आपको पिक्चर गैलरी, म्यूज़ियम, रूमी दरवाज़ा, छोटा इमामबाड़ा और एक मतलब एक दो जगह इसी तरह से हैं। अभी हम आपको टिकट पूरा दिखा देंगे, वहाँ वहाँ आप घूम सकते हैं। 50 रुपये एक व्यक्ति का, तो हम लोग का टोटल 100 रुपये में हो गया क्योंकि हम 2 लोग आए हुए हैं। ये देखिए टिकट हमारे हाथ में आ गया। अब नेक्स्ट स्लिप में हम क्लिप में आपको हम दिखा देंगे कि टिकट में क्या क्या लिखा हुआ, वहाँ से आप पूरा देख सकते हैं कि कितना कहाँ कहाँ चीज़ें घूमने को मिलेंगी इसमें। ये देखिए इस पूरी उसमें सीन में आपको दिख रहा होगा कि कहाँ कहाँ पर हम लोगों का कितना रुपया लगा हुआ है और कहाँ कहाँ घूमने को मिलेगा, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। खैर चलिए अब देखते हैं अंदर हमारा इमामबाड़ा आखिर है किस तरह का। और आपको बता दें कि यहाँ पर जूते उतार के अंदर आप पूरा घूम सकते हैं, तो जूते उतार रहे हैं कि हम लोग जूते उतार दिए हैं और यहाँ पर जूते जहाँ पे हम लोग जमा करें वहाँ पे आपकी जितनी इच्छा उतना रुपया उन लोग को दे सकते हैं। तो हम लोगों ने फाइनली अभी 30 रुपये दिया है उन लोगों को, उसके आगे हम लोग अंदर आए हैं। और यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर गाइड लेना होगा आपको अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो, क्योंकि भूल भुलैया में अक्सर आदमी भटक जाता रास्ता, तो गाइड रहता तो आपको बता देगा, तो हमने भी गाइड लिया हुआ है। और 100 रुपये में गाइड आपको पूरी बिल्डिंग जो है यानी तीनों चीज़ें घुमा देगा और एक एक चीज़ की जानकारी भी देता जाएगा। तो अभी हमको अपना कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह करवाना है थंबनेल में लगाने के लिए। ये इमामबाड़ा के बगल में ये मस्जिद बनी हुई है, यहाँ पर हमें लगता है जो भी इस धर्म के लोग पूजा पाठ करते वो ये सब यहाँ पर होता है। और ये खैर पूरा ही एक तरीके से मंदिर हम जैसे होता है वैसे ही मुस्लिम्स का ये एक वर्शिप प्लेस है, यहाँ पे वो लोग प्रार्थना करते हैं। और चलिए अंदर देखते हैं। और हाँ दोस्तों, ये आपको एक चीज़ बता दें कि इसमें जो नक्काशी करी गई वो इतनी सुंदर करी गई कि आप अगर वीडियो में तो उतना क्लियर हम नहीं दिखा सकते, लेकिन जब आप सामने से देखेंगे तो इतना सुंदर लगेगा इमामबाड़ा, लगेगा कि जैसे लगता है कि एक एक चीज़ बैठ के बनाया गया हो। और खैर उस समय के वर्कर्स के हम लोग इस समय सल्यूट करते हैं कि किस तरीके से उन्होंने यहाँ का पूरा काम किया था। Thank you.
दोस्तों अभी आपने देखा इमामबाड़ा में, हमने आपको दिखाया अभी बाहर बाहर से, अभी अंदर का जो टूर है वो हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाएंगे। तो नेक्स्ट व्लॉग का इंतजार करिएगा, उसमें इमामबाड़ा के अंदर आके क्या क्या है, कैसे उसमें क्या चीज़ हम लोगों को करना है, मतलब कि टिकट वगैरह है, कुछ लगता है कि नहीं लगता, पैसा वगैरह, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी के रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन है, सब आपको प्रोवाइड करी जाएंगी। बस चैनल पर जुड़े रहिए। और हाँ, ये हमारे लखनऊ के जो ट्रैवल टूर की व्लॉग्स की सीरीज है ये आएगी, उसी सीरीज में सारे व्लॉग अपडेट रहेंगे, तो जिसको पूरी सीरीज देखनी हो तो वहाँ से भी जाके देख सकता है। तो इसलिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए और वीडियोज को भी लाइक करते रहिए।